हेलो फ्रेंड्स आई एम प्राची वेलकम टू दिस चैनल टुडेज अवर टॉपिक इज मैग्नेटिक मटेरियल। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अल्सो ऑल द ब्रांचेस और ऑल दी फील्ड्स दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स द डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स आर आक्स और दी एग्जैम्पल्स ऑन देम आक्स also for our knowledge we know what is the ferromagnetic paramagnetic and diamagnetic so these all we explain or we see in this video i am explain all this topic so see carefully so first of all we see the content of magnetic material here see the content of magnetic material first is introduction of magnetic material then terms connected with magnetic materials classification with properties hysteresis loop

मैग्नेटिक मटेरियल्स आर धोज मटेरियल्स इन विच अ स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैन बी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसा मटेरियल कि जिसमें क्या हो सकता है मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो सकता है मैग्नेटिक मटेरियल आर धोज मटेरियल इन विच अ स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैन बी इंड्यूस ऐसा मटेरियल कि जिसमें क्या हो सकता है मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो सकता है ऐसे मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं उसके बाद का पॉइंट है सच मटेरियल्स वेन मैग्नेटाइज क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस और क्या कहते हैं ये कि ऐसा मटेरियल कि जबकि उसमें क्या होता है मैग्नेटाइज होता है ऐसा मटेरियल तो वो क्या करता है वो मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में क्रिएट करता है हमने समझा है ऐसा मटेरियल कि जिसमें मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो सकता है और जबकि उसमें मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होता है और जबकि वो मैग्नेटाइज होता है तो वो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में क्रिएट करता है ऐसे मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल देन उसके बाद है टर्म्स कनेक्टेड विथ मैग्नेटिक मटीरियल्स जो टर्म्स मैग्नेटिक मटीरियल से कनेक्टेड है वो हम यहाँ पर देखेंगे सो so, फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स सेकेंड है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फोर्थ है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, परमियंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, नॉट रिमनेंस, रिमनंस डेट इज परमियंस, देन रिटेंटिविटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्यूरी टेम्परेचर हिस्टरेसी लूप एंड लॉसेस तो सो दीज ऑल टर्म्स कनेक्टेड विथ मैग्नेटिक मटीरियल्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनमें से कुछ टर्म जो है मैग्नेटिक फुल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंटी मैग्नेटिक फोर्स ये जो है मैंने पहले कुछ वीडियोज़ में ये एक्सप्लेन किया हुआ है इसके सेपरेट वीडियोज़ हैं तो आप वो देख सकते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़े टॉपिक है तो इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है और कुछ जो टॉपिक्स रह गए हैं वो हम देखेंगे बाद में क्यूरो टेम्परेचर और हिस्ट्रोसूप इसी वीडियो में देखेंगे सो नाउ सी वि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरा मैग्नेटिक मटीरियल डाई मैग्नेटिक मटीरियल मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल एंड मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल। सो दिस आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब हम समझेंगे एक एक करके कि फेरोमैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक होता क्या है आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो फेरोमैग्नेटिक इज़ ए टाइप ऑफ मटीरियल दैट इज़ हाईली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है कि ऐसे टाइप का मटेरियल जो कि हाईली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ एंड कैन बिकम परमानेंटली मैग्नेटाइज और वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकता है इस कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कह सकते हैं समझ में आया कि क्या है कि ऐसा मटेरियल जो कि हाईली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ और वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो सकता है उसे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं द रिलेटिव परमियाबिलिटी इज मच ग्रेटर दैन यूनिटी इसकी रिलेटिव परमियाबिलिटी जो होती है वो यूनिटी से ग्रेटर होती है यूनिटी मतलब वन से ग्रेटर होती है और वो डिपेंड होती है फील्ड स्ट्रेंथ पे किस पे डिपेंड होती है वो फील्ड स्ट्रेंथ पे दिज है ससेप्टिबिलिटी और उसकी ससेप्टिबिलिटी भी बहुत हाई है ये फेरो मैग्नेटिक डाय मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक हिस्ट्रिस स्लूप ये जो है सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिकल के सिक्स सेम में एक सब्जेक्ट होता है कैमडी उसमें ये डिटेल दिया हुआ है तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सो so, ये हुआ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसके एग्जांपल है एल्यूमिनियम प्लैटिनम ऑक्सीजन आर सच मटेरियल इसके ये क्या है फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल से सो so, ऐसा होता है फेरोमैग्नेटिक का डाइग्राम यहाँ पे ये यह नहीं समझेगा बट हम जैसे जैसे देखेंगे पैरा मैग्नेटिक और डाई तब ये समझ में आ जाएगा सो पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मीन्स वॉट इट इज़ अ सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक क्या है ये एक सब्सटेंस है ये जो है एक एक हम यहाँ पे हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे या या हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे कि ये होता क्या है और जब आपको ये डिटेल में समझना है फेरो पैरा और डायमैग्नेटिक तो उसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो में समझेंगे तो so, यहाँ पे हम पैरामैग्नेटिक क्या है वो ऊपर से समझ लेते हैं एक ऐसा सब्सटेंस होता है या फिर ऐसी बॉडी होती है वो वीकली अट्रैक्टेड होती है पोल्स ऑफ मैग्नेट की तरफ बट नॉट रिटर्निंग एनी परमानेंट मैग्नेटिज्म और ये क्या नहीं करता कि परमानेंट मैग्नेटिज्म रिटर्न नहीं करता दिस हैव रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर और इसकी परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर होती है हमने फेरोमैग्नेटिक में देखा कि वो हाईली ग्रेटर होती है और इसमें स्लाइटली ग्रेटर होती है दैन यूनिटी एंड आर मैगनेटाइज स्लाइटली यूनिटी से ये स्लाइटली ग्रेटर होती है रिलेटिव परमियाबलिटी एंड ये जो हो है वो स्लाइटली मैगनेटाइज होते हैं मतलब कम मैगनेटाइज होते हैं फेरामग्नेटिक कम्पेरिजन में दे अट्रैक्ट द लाइन्स ऑफ फोर्स वीकली और ये फोर्स ऑफ लाइन्स को वीकली अट्रैक्ट करते हैं पैरा मैगनेटिक मटेरियल्स सो ये हुआ हमारा पैरा मैगनीटिक मटीरियल्स सो इसके भी एग्जाम्पल्स है वो भी हम देख लेते हैं इसके भी सेम एग्जाम्पल है बट इसमें क्या है एक ऑक्सीजन और कैल्शियम ये दोनों एक्स्ट्रा है एल्यूमिनियम प्लेटिनियम कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर दी मटेरियल्स आर सच पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स ऑल्सो इंक्लूड मैगनीस मैग्नीशियम मॉलिबडनम लिथियम एंड टंटलम दिज आर ऑल्सो द पैरामैगनेटिटिक मटीरियल्स यहाँ पे हम सिर्फ पैरामैग्नेटिज्म का मीनिंग समझ लेते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है कि एक रिज़ल्ट होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का हैविंग अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये क्या होता है एक रिज़ल्ट होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का बस इतना ही हम पैरामैग्नेटिज्म समझेंगे ये बहुत बड़ा टॉपिक टॉपिक है तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे देन यहाँ पे समझ लेते हैं हम डायमैग्नेटिज्म होता क्या है इट इज़ अ सब्सटेंस विच क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है इन अपोजिट टू एन एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड ये क्या करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट तो करता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन में जब उसके ऊपर जो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और उसकी ससेप्टेबिलिटी भी क्या होती है निगेटिव होती है कुछ कुछ लोग इसे नॉन मैग्नेटिक भी कहते हैं बट ये मैग्नेटिक मटेरियल है दिस हैव रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली लेस देन यूनिटी इसकी परमेबिलिटी यूनिटी से लेस होती है द रिपेल द लाइन्स ऑफ फोर्स स्लाइटली और ये स्लाइटली क्या करते हैं रिपेल करते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स को इसके एग्जाम्पल है कॉपर गोल्ड एंटी सिल्वर लीड एंड हाइड्रोजन कॉपर, लीड हाइड्रोजन एंटी मनी गोल्ड ये जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं सो द एग्ज़ाम्पल्स आर ऑल्सो बीस बीस मौत सिल्वर कॉपर एंड हाइड्रोजन सेम बस्मत ये भी है क्या है एक डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है डायमैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है कि इसमें वीक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है जो कि हम अप्लाइड इलेक्ट एक्सटर्नल फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो ये हुआ हमारा डाई देन उसके बाद है मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल्स अब मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल्स होते क्या है वो हम समझेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम्पल हिस्ट्रोसिस अप्लीकेशंस ऑल्सो द मैग्नेटिक सॉफ्ट मटेरियल एंड मैग्नेटिक हार्ड मटेरियल सो दीज आर वी सी इन द नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू